नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 एफएम, हम सबका रेडियो। मैं सौरव नीलेश और आप सुन रहे हैं करो योग रहो निरोग। इस कार्यक्रम के दूसरे चरण में आज हम जिस अभ्यास पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिस परिस्थिति पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो बहुत ही रोचक परिस्थिति, नींद ना आने की समस्या पर। आज के समय में जल्दी लोगों को नींद नहीं आती है बेड पर जाने के बाद, चाहे वो किसी भी कारणवश हो, मोबाइल चलाने की आदत हो या देर रात तक काम करने की आदत हो। तो नींद को कैसे अपने काबू में किया जाए, कैसे आप बेड पर जाते ही आराम से आपको नींद आ जाए, उसका हम अभ्यास योग के जरिए इस कार्यक्रम में देखेंगे। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, यह विषय बड़ा ही रोचक विषय भी है और आजकल के समय में एक बड़ी समस्या भी है कि भाई हमें नींद नहीं आती है अच्छे से। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वह है कि सोने से पहले कौन से ऐसे योग हैं जो करने चाहिए, जो कि हमें सोने में मदद करे, अच्छी नींद लेने में मदद करे। तो देखें, अच्छी नींद आने में बहुत तरह की चीज़ें जो हैं वो काम आती हैं। अच्छी नींद आपको तभी आएगी जब आपने दिन भर शारीरिक श्रम अच्छा किया हो, फिजिकल वर्क अच्छा किया हो, जब आप स्ट्रेस फ्री हो। तो इन सभी समस्याओं को कम करने के लिए, ताकि आपकी नींद अच्छी से आ जाए, कुछ अभ्यास भी हैं, कुछ ऐसे डे टू डे रूटीन भी हैं जिसको आप चेंज करके, हल्का हल्का उनमें चेंजेस ला करके आप जो है अपने सोने की अवधि को बढ़ा सकते हैं या अच्छी नींद जो है वो पा सकते हैं। तो अच्छी नींद पाने के लिए मेरा सुझाव है कि जब भी आप सोने के लिए जाते हो, जिस भी समय पर जाते हो, तो रात्रि का भोजन आप अपने सोने के समय से कम एक से डेढ़ घंटे पहले कर लें, क्योंकि सोते समय यदि आपका पेट हल्का रहेगा तो आपको नींद अच्छी आएगी। और हमेशा रात्रि के भोजन के बाद 10 से 15 मिनट का वॉक जरूर करें, अगर आपके पास वॉकेबल स्पेस है, मतलब आपके पास टहलने लायक जगह है, तो आप 10 से 15 मिनट का वॉक जरूर लें। अगर नहीं है तो आप कम से कम 10 से 15 मिनट वज्रासन की स्थिति में बैठें भोजन करने के बाद। हालांकि योग में हम कहते हैं कि भोजन आप वज्रासन में ही बैठकर करें, वज्रासन अर्थात दोनों पैरों को मोड़कर एड़ी के ऊपर बैठने को बोलते हैं वज्रासन। तो यदि आप वज्रासन में बैठकर भोजन कर सकते हैं तो वैसे भोजन करें, अन्यथा भोजन के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट तक आप वज्रासन में बैठें। वज्रासन में बैठने से क्या होगा कि आपके पाचन को, डाइजेशन को इंक्रीज करेगा, खाने को, भोजन को तुरंत पचाएगा। हाँ, यदि आपके घुटनों में तकलीफ है तो मैं इससे करने से परहेज करूँगा आपको, इसको आप ना ही करें। लेकिन यदि आपका घुटना बिल्कुल ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है बैठने में, तो वज्रासन में ज़रूर बैठें। इसके अलावा जब आप सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाएं तो बिस्तर को हमेशा साफ रखें। हमेशा ध्यान रखें कि जो आपका स्लीपिंग बेड हो, सोने वाला बिस्तर हो, उसको हमेशा साफ रखें। सोने वाले बिस्तर पर कभी भोजन ना करें और अन्य कार्य ना करें, जिसका जो काम है वही काम उसको करने दें। बिस्तर पर आप सोने जाते हैं तो केवल उस पर सोएं, क्योंकि आपका बिस्तर यदि शुद्ध और स्वच्छ रहेगा तो आपको नींद अच्छी आएगी। अब कुछ ऐसे अभ्यास हैं योग में जिनको सोने से जस्ट पहले करने से नींद अच्छी आती है। वो अभ्यास हैं, आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने से कितना भी थकान रहे आपको, हेडेक रहे, हरासमेंट रहे, दिन भर का स्ट्रेस रहे, वो तुरंत कम हो जाता है, आपका शरीर तुरंत तनाव रहित हो जाता है भ्रामरी प्राणायाम करने से। भ्रामरी प्राणायाम करें, 5 से 10 मिनट तक भ्रामरी प्राणायाम करें, उसके बाद सोने जाएं तो आपकी नींद बहुत ही अच्छी आएगी। रात में यदि बार बार आपको नींद खुलने की आदत है तो हफ्ते 10 दिन भ्रामरी प्राणायाम को करें, उसके बाद स्वतः आपकी नींद जो है वो अच्छी आने लगेगी। इसके अलावा आप अंतर्मौना का अभ्यास कर सकते हैं अपने बिस्तर पर। आप चाहे तो अंतर्मौना एक मेडिटेशन है, ध्यान का एक तरीका है, जिसको आप अपने बिस्तर पर बैठकर, लेटकर, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं आप। तो अंतर्मौना का अभ्यास करें। अंतर्मौना के अभ्यास से आपके मन में जितने भी निगेटिव विचार हैं, निगेटिव थॉट्स हैं, वो सभी विचार निकल जाएंगे, आपको तनाव रहित नींद आएगी।
स्ट्रेस फ्री नींद आएगी। साथ ही साथ यदि आपको सोने में और तकलीफ हो तो आप योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। योग निद्रा का अभ्यास आप YouTube पर सुनकर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पे भी योग निद्रा का क्लिप अवेलेबल है, आप उसको भी देखकर या सुनकर कर सकते हैं। तो योग निद्रा के अभ्यास से जो है आपको नींद अच्छी आएगी। तो ये कुछ सुझाव थे जिनको आप सोने से पहले करें तो आपकी नींद अच्छी आएगी। तो इन सुझावों का आप चाहें तो पालन कर सकते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सौरभ नीलेश, आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो।